नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके चैनल स्टूडेंट डायरेक्शन पे। दोस्तों, दरभंगा का सबसे तेजी से ग्रोइंग करने वाले संस्थानों में से एक मैक्स फिजिक्स के साथ अभी हम हैं। हमारे साथ मैक्स फिजिक्स के डायरेक्टर हैं। हम सर से बात करेंगे क्रैश कोर्स के बारे में, आने वाले जो 2025 में बच्चे का जो एग्जाम होने वाला है उनका तैयारी के बारे में, क्या कैसे इस बार नया करने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को, स्टूडेंट जंक्शन के सभी स्टूडेंट्स को और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार और नमस्कार, धन्यवाद। सर, बात करने वाले हैं इस बार जो वर्ष 2025 में एग्जाम होने वाले हैं 12th वाले बच्चों का, उसके लेकर के आप इस बार क्या नया कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक इतिहास रहा है पिछले 2 वर्षों से कि हर एक बार कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, इस बार जो है क्या नया करने वाले हैं। हम लोगों ने सबसे पहले 2022 में एक ट्रेंड सेट किया यूट्यूब पे। हम तमाम बच्चों को, वैसे तमाम बच्चे जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं 12th का, चाहे वो CBSE के हों या बिहार बोर्ड के हों, उनके लिए हम लोग यूट्यूब पे फ्री क्रैश कोर्स लाते हैं, लाइव क्लासरूम का या रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से, जो उनके लिए सूटेबल फॉर्मेट होता है। क्रैश कोर्स की जो ऑफलाइन बैच है उसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और लगभग 80% सीट्स उसके रिजर्व भी हो चुके हैं। तो ऑफलाइन में संभव नहीं है कि मैं सारे बच्चों को पढ़ा दूँ। लास्ट ईयर का भी रिकॉर्ड रहा है कि लगभग 700-800 बच्चे क्रैश कोर्स के लिए आ गए थे, जो कि संभव नहीं है, हमारे क्लासरूम का वो स्ट्रेंथ नहीं है। दूसरी बात, ऑफलाइन की जो रेगुलर बैचेज है वो भी चलती हैं, तो मैं, मेरे यहाँ ये संभव नहीं है कि मैं ऑफलाइन में सारे बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो ऑफलाइन में कुछ लिमिटेड बच्चे हैं, कुछ लिमिटेड सीट्स हैं जिनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जिन बच्चों को सीट नहीं मिल पाता है, फिर उनके लिए हम लोग दिसंबर में या नवंबर के एंड में कुछ यूट्यूब पर या लाइव या अपने ऐप पर, मैक्स फिजिक्स की जो ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप है उस पर हम लोग क्रैश कोर्स के लिए लाइव में ऑनलाइन में प्लान करते हैं। तो फिलहाल इस साल के लिए, मतलब 2025 में जो बच्चे 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ऑफलाइन की जो बैच है वो जस्ट आफ्टर छठ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका डेट अभी अनाउंस नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 80% सीट उसमें रिजर्व हो चुके हैं। जिन बच्चों को उसमें हो पाएगा, जिनको नहीं हो पाएगा उनको दिल से मैं माफी मांगता हूँ। बाकी उन बच्चों के लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन माध्यम से जरूर करने का काम करेंगे। अच्छा सर, ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे तो क्या उसका फ़ी रहने वाले हैं, या फिर फ्री रखने वाले, पूर्णतः फ्री रखने वाले, या फिर कुछ मिनिमम चार्ज रखने वाले हैं? देखिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले दरभंगा के इतिहास में सबसे पहले हम लोगों ने 2022 में ही फ्री क्रैश कोर्स पढ़ाया। तो जो भी ऑनलाइन क्रैश कोर्स बैच होगी वो बिल्कुल निःशुल्क होगी। गाँव का कोई भी बच्चा, कहीं बैठा हुआ कोई भी बच्चा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, रिकॉर्ड रहा हमारा पिछले 3 सालों का कि बच्चे अलग अलग जिलों से, पूरे बिहार के बच्चे, तमाम पूरे अलग अलग स्टेट के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे, और CBSE के बैच में अलग अलग स्टेट के बच्चे आकर के क्लास करते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच का एक मिनिमम फीस है, लेकिन ऑफलाइन बैच में मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि प्रायोरिटी बेसिस पर सीट मिल रहा है, उसमें मैक्सिमम सीट रिजर्व हो चुकी है। तो मैं ऑफलाइन के लिए बच्चों को आने के लिए मना करूंगा, ऑफलाइन में सीट सब नहीं है, आप ऑनलाइन के लिए ही देखें, ऑनलाइन के लिए सोचें। सर, ऑनलाइन वाले वाले बच्चों जो है उनके नोट्स का क्या व्यवस्था कर रहे हैं इस बार आप? ऑनलाइन में जो भी क्लासेज होती हैं उसका हम लोग अपने एंड्रॉयड ऐप पर PDF नोट्स देते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी नोट्स अवेलेबल होते हैं, और भी कई फॉर्मेट में जब बच्चे ऐड होते हैं, जब हम लोग चैनल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट्स में, हमारा एक बहुत फेमस नोट है भौकाली ब्रह्मास्त्र, आपने सुना होगा। तो हम लोग भौकाल नाम से क्रैश कोर्स स्टार्ट करते हैं, भौकाल पहली बार हुआ, फिर भौकाल 1.0, भौकाल 2.0, भौकाल 3.0 फिर से आ रहा है, फिर से भौकाल टाइट होगा और फिर से फ्यूचर ब्राइट होगा। बहुत हम भी उसी पे आने वाले थे, काल 3.0 में क्या नया करने वाले जो पिछले साल तक नहीं हो पाया था, जो इस बार आप करना चाहते हैं? देखिए, हालांकि परफेक्शन की कोई सीमा नहीं होती, हम लोगों ने लास्ट ईयर भी बहुत अच्छा किया, उससे पिछले साल भी बहुत अच्छा किया, लेकिन हम लोग हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं, चाहे वो कंटेंट का मामला हो, चाहे वो क्वालिटी का मामला हो। मैं अपने क्वालिटी और कंटेंट के मामले में खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ, और मैं बीच में किसी को पाता ही नहीं। तो हम लोग लास्ट ईयर के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए जो इस बार का कंटेंट है वो और मिनिमाइज्ड कंटेंट देने वाले हैं बच्चों को। बच्चों को एकदम सटीक वही कंटेंट पढ़ाने वाले हैं जो सटीक उनके एग्जाम पेपर में आएगा। लास्ट ईयर आप और मीडिया के और कई सारे दोस्त जब कवर कर रहे थे एग्जाम हॉल के बाहर में, तो मैक्स फिजिक्स के बच्चे तो बोल ही रहे थे, दूसरे कोचिंग संस्थान के भी बच्चे बोल रहे थे कि जो मैक्स फिजिक्स के भौकाली ब्रह्मास्त्र में था वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो उस रिकॉर्ड को बरकरार करना है और बच्चों को मिनिमाइज, कम से कम
क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि उनके पास अभी टाइम बहुत कम है। क्रैश कोर्स के समय में बच्चों को ये समझना होगा कि रिवीजन में आपको लालच नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि पूरा साल आपके पास डिटेल्ड पढ़ने को होता है, जब आप क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ डेज बहुत कम होता है। तो आपको क्या पढ़ना है उससे कहीं इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या छोड़ना है। तो कंटेंट पर जो हम काम कर रहे हैं और हमारी टीम काम कर रही है, हम लोग बहुत सेलेक्टिव कंटेंट पर काम कर रहे हैं। फ्रंट एंड पे मैं आपको दिखता हूँ, बैक एंड पे टीम के और भी मेंबर्स काम कर रहे हैं जो कि कंटेंट को बस छाटने का काम कर रहे हैं। तो बहुत ही सेलेक्टिव सिलेबस के साथ, बहुत ही सेलेक्टिव मतलब सटीक अब की बार नया पार बोर्ड के साथ, कंपटीशन भी पार वाला हिसाब किताब है, ठीक है सर। एक तीर से दो शिकार, बोर्ड के साथ जेई नीट भी पार, ऐसा कंटेंट लेके आ रहे सर। क्या मैं इस बार भी पिछले वर्ष के तरह जिला टॉपर और बिहार टॉपर मैं उम्मीद कर सकता कि मैक्स फिजिक्स से निकलने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए बात यह है कि हमारे लिए हर बच्चा खास है, जिला टॉपर, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ये चीजें तो हैं ही। हम लोग का प्रयास हमेशा ये रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिजल्ट आए। सिलेक्शन रेशियो या रिजल्ट रेशियो परसेंटेज वाइज ज़्यादा है, मतलब ये नहीं कि एक बच्चा टॉप कर गया बाकी बच्चे फेल कर गए। हर एक एवरेज बच्चा जो हमारे कोर्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जो ऑफलाइन में पढ़ पाते हैं, ऑफलाइन में आपको पता है आप शहर में कई बार कवरेज करते हैं, ऑफलाइन में लिमिटेड सीट्स हैं और सारे बैचेस में सीट्स खत्म हो चुके थे ऑफलाइन में शुरुआत के दिनों में ही। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जो सेशन में आए लेकिन उनको सीट नहीं मिला तो उनको वापस जाना पड़ा, वो भी इनडायरेक्टली हमारे ही बच्चे हैं। तो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हमारा ये प्रयास रहता है कि एक एवरेज बच्चा भी अच्छा परफॉर्मेंस दे, एक बेहतर। हमारे लिए हर बच्चा टॉपर है। जो बच्चा 40% लाने की स्थिति में है उसको 62% 70% ले आना, ये हमारा लक्ष्य होता है। अगर 40% वाला बच्चा 60% ले आया तो वो भी हमारे लिए टॉपर है। जो 55% लाने वाला है वो 90% लाया तो वो भी हमारे लिए टॉपर है। टॉपर की परिभाषा मैक्स फिजिक्स और नवनीत भार्गव के लिए अलग है। हर एक औसत बच्चे को बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देना, हर एक औसत बच्चे का भौकाल टाइट करना और उसका फ्यूचर ब्राइट करना, यही हमारा टारगेट होता है हर साल। सर कुछ संदेश अगर आप बच्चों को देना चाहें, क्योंकि अब अंतिम समय, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं फिर से वही बात कहूंगा, किसी भी सब्जेक्ट में अंतिम समय में हड़बड़ाओ मत, बहुत अधिक मत पढ़ो, सेलेक्टिव सिलेबस चुनो। और अगर टारगेट कम, मतलब सेलेक्टिव सिलेबस का मतलब है कि तुम अपने मेंटर से, अपने गाइड से ये पूछो कि मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, कि अगर आपके पास समय कम है और बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ना है तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। यू मस्ट बी सेलेक्टिव। आप अपने टीचर से पूछिए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और उस सेलेक्टिव कंटेंट को बार बार एक ही सोर्स से पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहने से नहीं होगा। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑब्जेक्टिव सेशंस लिए हैं, लगभग तमाम चैप्टर के पिछले 10 साल के 15 साल के ऑब्जेक्टिव्स जो पूछे गए एमसीक्यूज हैं उनको करवाए हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सिलेक्टिव कंटेंट पढ़िए और पॉजिटिव रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिए। ये नहीं कि लास्ट समय में रात रात भर पढ़ रहे हैं, खाना ही नहीं खा रहे, बीमार पड़ जाओगे, सब गड़बड़ा जाएगा। चिंता नहीं, चिंतन करना है। जो चिंता करते हैं उनकी चिता बन जाती है। तो बोर्ड का लास्ट टाइम है, चिंता नहीं करो, रिलैक्स रहो, चिंतन करो और पढ़ो, बस यही संदेश रहेगा हमारे तरफ से। ये थे नवनीत सर, मैक्स फिजिक्स का डायरेक्टर, इनके तरफ से जो संदेश दिया गया है उम्मीद करते बच्चों के लिए कारगर साबित होगा। आप देख रहे थे स्टूडेंट जंक्शन, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन इस वीडियो का उन सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो कि इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं और उनके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आप सभी से लेते विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।